दोस्तों आज के वीडियो में हम हुंडई के एक ऐसे प्रोडक्ट के बारे में बात करेंगे जिसे अगर इस सेगमेंट की बात की जाए तो इस वाले सेगमेंट को हैचबैक कहा जाता है। आज हम बात करेंगे फाइव सीटर कार के बारे में जो कि हुंडई का बहुत ही जाना माना प्रोडक्ट है। अगर इस वाले प्रोडक्ट की रेटिंग भी देखी जाए तो अच्छी खासी मिल जाती है। साथ ही अगर इस वाले वेरियंट को अपन बात करेंगे तो इसके अंदर पेट्रोल साथ ही सीएनजी का ऑप्शनल भी दिया गया है कंपनी के साथ। इसके अंदर सीएनजी भी अवेलेबल है और यह इंजन 1200 सीसी के साथ आता है। साथ ही यह मैनुअल ट्रांसमिशन वाले वेरियंट के बारे में बात करेंगे। साथ ही यह वाला वेरियंट बहुत ही अच्छा वेरिएंट है। साथ ही अगर बात की जाए तो इस वाले वेरिएंट की डिमांड भी अच्छी खासी है। तो दोस्तों हम आज बात करेंगे हुंडई के सबसे बेहतरीन प्रोडक्ट के बारे में जिसे आप सभी लोग भलीभांति जानते हैं। तो हम आज बात करेंगे हुंडई ग्रांड i10 न्यूओस स्पोर्ट्स 1.2 कापा टीवीटी सीएनजी इंजन के बारे में। तो दोस्तों हम आज इस वाले वेरिएंट के बारे में सारी बातें बताएंगे आप। तो दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। तो कैसे दोस्तों, आई होप सभी लोग ठीक होंगे। तो दोस्तों अगर इस वाले वेरिएंट के इंजन की बात की जाए तो इस वाले वेरिएंट के इंजन लगभग 1197 सीसी का फोर सिलेंडर एयरलाइन इंजन देखने को मिलता है। साथ ही अगर इंजन टाइप की बात की जाए तो इस वाले वेरिएंट को 1.2 कापा बीआई फ्यूल इंजन कहा जाता है। साथ ही अगर फ्यूल की बात की जाए तो इस वाले वेरिएंट के अंदर सीएनजी और पेट्रोल दोनों प्रकार के फ्यूल देखने को मिलते हैं। साथ ही अगर गाड़ी के मैक्सिमम पावर की बात की जाए तो इस वाले वेरिएंट का मैक्सिमम पावर 68 bhp 6000 आरपीएम। साथ ही अगर मैक्सिमम टॉर्क की बात की जाए तो इस वाले वेरिएंट का मैक्सिमम टॉर्क 95 न्यूटन मीटर 4000 आरपीएम प्रोड्यूस करती है। यह गाड़ी एक फॉरवर्ड व्हील ड्राइव ऑप्शन के साथ आती है। अगर गाड़ी के ट्रांसमिशन सिस्टम के बारे में बात की जाए तो सोले वेरिएंट का ट्रांसमिशन सिस्टम 5 गियर मैनुअल ट्रांसमिशन देखा जाएगा। साथ ही अगर अल्टरनेट फ्यूल की बात की जाए तो अल्टरनेट फ्यूल इसका पेट्रोल ही रहता है। साथ ही अगर गाड़ी के डायमेंशन सिस्टम की बात की जाए तो सोले वेरिएंट की लेंथ लगभग 3805 mm, विड्थ लगभग 1680 mm, हाइट लगभग 1520 mm। साथ ही अगर गाड़ी के व्हील बेस की बात की जाए तो सोले वेरिएंट का व्हील बेस लगभग 2450 mm का देखने को मिलता है। अगर गाड़ी की कैपेसिटी के बारे में बात की जाए तो यह गाड़ी 5 डोर्स के साथ देखने को मिलती है। साथ ही अगर सीटिंग कैपेसिटी की बात की जाए तो इस वाले वेरिएंट के अंदर 5 सीटर का ऑप्शन दिया गया है। साथ ही अगर गाड़ी के सीटिंग रो की बात की जाए तो इस वाले वेरिएंट के अंदर टोटल 2 सीटिंग रो देखने को मिलती है। साथ ही अगर गाड़ी के बूट स्पेस की बात की जाए तो इस वाले वेरिएंट के अंदर 260 लीटर का अच्छा खासा बूट स्पेस देखने को मिलता है। साथ ही अगर गाड़ी के फ्यूल टैंक की बात की जाए तो इस वाले वेरिएंट की फ्यूल टैंक कैपेसिटी लगभग 60 लीटर की दे रखी है। साथ ही अगर गाड़ी के टायर प्रोफाइल की बात की जाए तो इस वाले वेरिएंट के अंदर अपन को एलो व्हील देखने को मिलते हैं। साथ ही टायर प्रोफाइल की बात की जाए तो इस वाले वेरिएंट के अंदर टायर प्रोफाइल 165/70R14 के देखने को मिलते हैं। अगर गाड़ी के सेफ्टी सिस्टम के बारे में बात की जाए तो यह गाड़ी एनकैप द्वारा 2-स्टार रेटेड है। साथ ही अगर गाड़ी के अंदर एयरबैग की बात की जाए तो इस वाले वेरिएंट के अंदर टोटल 2 एयरबैग देखने को मिलते हैं, ड्राइवर साइड फ्रंट पैसेंजर साइड। साथ ही अगर गाड़ी 80 की स्पीड पर रहेगी तो एक बार अलर्ट करेगी और 120 की स्पीड पर रहेगी तो कंटिन्यूस अलर्ट करेगी। इस वाले वेरिएंट के अंदर सीट बेल्ट वार्निंग भी देखने को मिलती है। साथ ही अगर गाड़ी के अंदर ब्रेकिंग सिस्टम की बात की जाए तो इस वाले वेरिएंट के अंदर ABS EBD और जैसे बेहतरीन ब्रेकिंग सिस्टम देखने को मिलते हैं। अगर गाड़ी के अंदर लॉक एंड सिक्योरिटी सिस्टम की बात की जाए तो इस वाले वेरिएंट के अंदर इंजन एम्बुलाइजर, सेंट्रल लॉकिंग रिमोट के साथ स्पिन सेंसिंग, डोर लॉक, चाइल्ड सेफ्टी लॉक जैसे बेहतरीन फीचर्स देखने को मिलते हैं। अगर गाड़ी के अंदर एयर कंडीशनर की बात की जाए तो इस वाले वेरिएंट के अंदर ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल एसी, साथ ही रियर एसी वेंट्स देखने को मिलते हैं। गाड़ी के अंदर हीटर भी कंपनी के द्वारा अवेलेबल कराया गया है। साथ ही अगर गाड़ी के अंदर और भी फीचर्स की बात की जाए तो इस वाले वेरिएंट के अंदर पार्किंग असिस्ट, रिवर्स कैमरा देखने को मिलता है, साथ ही 4 रियर पार्किंग सेंसर देखने को मिलते हैं। इस वाले वेरिएंट के अंदर अगर स्टीयरिंग एडजस्टमेंट की बात की जाए तो स्टीयरिंग एडजस्टमेंट टिल्ट प्रकार का देखने को मिलता है। साथ ही अगर 12 वोल्ट के आउटपुट सॉकेट्स की बात की जाए तो कंपनी के द्वारा 12 वोल्ट के आउटपुट सॉकेट्स टोटल 2 अवेलेबल करा रखे हैं। साथ ही अगर सीटिंग एडजस्टमेंट की बात की जाए तो इस वाले वेरिएंट के अंदर फ्रंट ड्राइवर सीट जो कि 6-way मैनुअल एडजस्टेबल दे रखी है, साथ ही फ्रंट पैसेंजर सीट 4-way मैनुअल एडजस्टेबल दे रखी है। साथ ही अगर सीटों के अंदर मटेरियल की बात की जाए तो इस वाले वेरिएंट के अंदर फैब्रिक का यूज में लिया गया है। साथ ही अगर गाड़ी के स्टोरेज की बात की जाए तो इस वाले वेरिएंट के अंदर फ्रंट में 2 कप होल्डर देखने को मिलते हैं। साथ ही अगर गाड़ी के डोर्स की बात की जाए तो इस वाले वेरिएंट के चारों डोर्स के अंदर पावर विंडो इंस्टॉल कर रखी है जो कि ड्राइवर साइड 1-touch down 1-touch up ऑपरेट सिस्टम के साथ ऑपरेट होती है। साथ ही बॉडी कलर ORM देखने को मिलते हैं और अगर ORM की बात की जाए तो यह इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल रेक्टा केबल प्रकार के दिए गए हैं कंपनी के द्वारा इसके अंदर रियर डिफोगर और रियर वाइपर भी प्रोवाइड कराया रखा है। तो दोस्तों अगर गाड़ी के लाइटिंग सिस्टम के बारे में बात की जाए तो इस वाले वेरिएंट के अंदर हेडलैम्प हेलोजन प्रकार के देखने को मिलते हैं। साथ ही अगर फॉग लैम्प की बात की जाए तो फॉग लैम्प भी हेलोजन प्रकार के देखने को मिलते हैं। अगर टेल लाइट की बात की जाए तो इस वाले वेरिएंट के अंदर टेल लाइट LED प्रकार की देखने को मिलती है। अगर गाड़ी के इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की बात की जाए तो इस वाले वेरिएंट के अंदर इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर डिजिटल एनालॉग प्रकार का देखने को मिलता है जो कि इलेक्ट्रॉनिक टू ट्रिप्स के साथ आता है, जो कि एवरेज फ्यूल कंज्यूमेशन, एवरेज स्पीड, डिस्टेंस टू MPT, डिजिटल क्लॉक, लो फ्यूल वार्निंग, 2000 वार्निंग, एडजस्टेबल क्लस्टर ब्राइटनेस, गियर इंडिकेटर जैसे बेहतरीन सिस्टम के साथ कंपनी के द्वारा प्रोवाइड किया गया है। अगर गाड़ी के अंदर
म्यूजिक सिस्टम के बारे में बात की जाए तो इस वाले वेरिएंट के अंदर म्यूजिक सिस्टम 8 इंच का टच स्क्रीन डिस्प्ले देखने को मिलता है, जो कि एंड्रॉइड ऑटो एप्पल कारप्ले को सपोर्ट करता है। साथ ही कंपनी के द्वारा इसके अंदर 4 स्पीकर प्रोवाइड कर रखे हैं। अगर स्टीयरिंग कंट्रोल्स की बात की जाए तो इस वाले वेरिएंट के अंदर स्टीयरिंग कंट्रोल, साथ ही अगर म्यूजिक सिस्टम की कनेक्टिविटी की बात की जाए तो वॉइस कमांड, जीपीएस, नेविगेशन सिस्टम, यूएक्स कनेक्टिविटी, एफएम रेडियो, यूएसबी कनेक्टिविटी जैसे बेहतरीन फीचर्स कंपनी के द्वारा ऐड किए गए हैं। तो दोस्तों ऑल ओवरऑल जिस रेट में कंपनी ने इस गाड़ी को बनाया है बहुत ही अच्छी तरीके से मैन्युफैक्चरिंग किया है। साथ ही इस वाले वेरिएंट को कंपनी के द्वारा जितना अच्छा बनाया जा सकता था उतना अच्छा बनाया गया है। तो दोस्तों कैसा लगा आज आप लोगों को हमारा वीडियो, आई होप सभी लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए बने रहे अपने चैनल पर। तो फ्रेंड्स मिलते हैं कल शाम को 8 बजे। ओके, गुड नाइट फ्रेंड्स।